खबर जनपद हरिद्वार के मंगलौर से है, जहां बीते दिनों जबेवन क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोपी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि इस घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी परमेंद्र डोबाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का मृतक कपिल के साथ पैसे और नशे को लेकर विवाद था। इसी विवाद के चलते आहत होकर आरोपी ने कपिल को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। इसके आगे उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन अंकित कपिल के लिए नशा लेकर आया और जब कपिल को काफी नशा हो गया, लेने का बहाना करके गया और वापस आने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके तहत ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। 28 जून को मंगलौर थाना क्षेत्र में झवीरन के पास में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की कान के पास में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद सभी साक्ष्य संकलन किया गया और इस व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयास किए गए। पुलिस को यह संज्ञान में आया कि उक्त व्यक्ति का नाम कपिल सैनी पुत्र संजय सैनी है। तत्काल उसके पिता की ओर से पुलिस ने इसमें अभियुक्त पंजीकृत किया। 302 की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ये जब हमें पता लगा कि ये व्यक्ति एक अन्य लड़के के साथ आया था अंकित सैनी के नाम से, जब पुलिस ने उसके धरपकड़ का प्रयास किया तो वो घर से फरार था। कल 30 तारीख को उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। उसके द्वारा ये कबूल किया गया कि उसके द्वारा ही यह हत्या की गई है। उसमें प्रयुक्त जो तमंचा है वो पुलिस ने रिकवर कर लिया है और अभी उसको पुलिस में हिरासत में लेके आज रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 302 में रिमांड के बाद अन्य एक सूचना इसमें और हमें प्राप्त हुई थी कि ये नशे को लेके ये हत्या हुई थी, तो इसमें जो भी लोग जहाँ से ये नशा प्राप्त कर रहे थे उसको भी पुलिस ने रडार पर लिया हुआ है और उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की गई कि कहाँ से ये इनके पास नशा कहाँ से ये लेके आ रहे थे और किस तरीके से क्या मोड ऑफ क्या था किस तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें भी पुलिस लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और इस पर आगे सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की।